Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का A38 है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचरों के बारे में, जिनका यूज करके इस फोन को और भी बढ़िया से आप यूज कर पाओगे। अगर आपको जानना है उन अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन को जैसे ही आप पिकअप करेंगे वैसे ही स्क्रीन इस फोन की ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ आने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइज टू वेक, इस फीचर को ऑन करना है। अब आपका फोन मान लीजिए कुछ इस तरह से टेबल पर रखा है, स्क्रीन ऑफ है। अब जैसे ही आप इसको पिकअप करेंगे अब आप देखेंगे आपकी फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। तो कभी भी आपको ये फीचर ऑन करना हो तो यहाँ पे आके आप ऑन कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पे मोर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को कभी भी आप लॉक करना चाहते हो तो ब्लैंक एरिया में आपको दो बार इस तरह से प्रेस करना होगा स्क्रीन, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको टू फिंगर से फिर से पिंच इन करना है, साइड जाने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए एंड यहां से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस फीचर को ऑन करना है। अब स्क्रीन कभी भी आपका लॉक होता है तो पावर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्रीन पर आप डबल प्रेस कर दीजिए, आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब आप लॉक करना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर डबल प्रेस कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर डबल प्रेस करके इसको ऑन करा सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीन शॉट को ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। जब आप इस फोन में स्क्रीन शॉट को लेना चाहते हैं, फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आप एक साथ प्रेस कीजिए, स्क्रीन शॉट आ जाएगा। 3 फिंगर से स्क्रीन पर डाउन करेंगे तब स्क्रीन शॉट को ले पाएंगे एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा। आप चाहें केवल इस एरिया का स्क्रीन शॉट लेना तो वो भी बना सकते हैं, ये काफी यूजफुल है। इसको बनाने के लिए 3 फिंगर से स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहते हैं उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन शॉट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नाम देखने को मिल रहा है, चाहे तो इसको आप ब्लर कर सकते हैं या फिर आप टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। बहुत सारे फीचर आपको एडिट ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो इनको एडिट भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप गोल्ड टाइप स्क्रीन शॉट को भी इस फोन में बना पाएंगे, जिसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करना होता है और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया का आपको गोल्ड टाइप स्क्रीन शॉट चाहिए वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये गोल्ड टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इस फोन में आप अपने एरिया के हिसाब से भी स्क्रीन शॉट बना सकते हैं, जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहिए आपको वो भी आप बना पाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको 3 फिंगर से होल्ड करके रखना है, यानी यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट आप चाहते हो उस फोन के अंदर लेना तो वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्क्रीन शॉट आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो ये स्क्रीन शॉट आपका बन जाता है। इसको भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना है तो वो भी फीचर मिल जाता है, आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीन शॉट काफी अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए आप चले जाइए लॉन्ग स्क्रीन शॉट एरिया में, वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीन शॉट को क्लिक कीजिए। स्क्रॉल पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपने एरिया के हिसाब से इसको स्क्रॉल करके इस तरह से स्क्रॉल करा सकते हैं, डन करके इसको आप देखेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से सेव हो जाएगा। आपको जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तब भी आप इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फीचर आपको इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट के काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इस फोन की स्क्रीन पे आप 2 एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन, जिसका यूज करने के लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कर लीजिए, जैसे कि हमने डायलर को ओपन किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 फिंगर से इस तरह से अप करना होगा। अब नीचे की साइड में आप जो एप्स देख पा रहे हो उनमें से किसी को भी ओपन करा सकते हैं, तो 2 एप्स आपके कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। वैसे एक और फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर वाला जो एप्स है और चाहे तो आप उसको नीचे ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लीजिए, तो आपको ये एप्स इस तरह से स्विच भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, जब आप नीचे वाले को ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से इसका भी यूज कर पाएंगे। तो 2 एप्स का कभी भी यूज करना हो तो आप इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। जब आप इस फोन के रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्स यहाँ पे ओपन रहते हैं उनका सभी का कंटेंट शो होता है। आप चाहें तो इस कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पे जो आपने कोई भी कंटेंट खोल कर रखा हुआ है वो कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा हाइड कंटेंट, सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है तो ये आपका कंटेंट इस तरह से शो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी का एप्स का जो कंटेंट है वो हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
इस फोन के जो डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है उसको ऑन करा सकते हैं। आप ये जान सकते हैं फोन का कितना रैम यहाँ पे यूज हो रहा है, तो उसको बहुत आसानी से आप यहाँ पे लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट बटन को प्रेस करना है। रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, देखने को मिलेगा मैनेज, मैनेज पर क्लिक कीजिए, देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन। इसको ऑन करने के बाद जब आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो कितना जीबी का रैम आपका यहाँ पे यूज हो रहा है और कितना जीबी फ्री है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। जब आप इस फोन की एप्स को क्लोज करते हैं यहां पे, तो आपके सभी एप्स क्लोज हो जाते हैं। अब आपके कुछ फेवरेट एप्स रहते हैं जिनको आप यहां पे क्लोज नहीं करना चाहते, तो उनको लॉक करके रख सकते हैं। जो कि आप क्लोज करेंगे सभी एप्स के लिए तो वो क्लोज नहीं होंगे जो भी आपने लॉक करके रखे हो। तो उनको लॉक करने के लिए सिंपल यहां थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और लॉक कर देना होगा। तो जो भी एप्स आपने लॉक किए होंगे वो आपके यहां से क्लोज नहीं होंगे। तो हम क्लोज ऑल करते हैं, तो यहां पे आपके जो लॉक्स ऐप है वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सभी क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी एप्स को आप लॉक करना चाहें यहां पे रिसेंट से, तो वो भी आप कर पाओगे। इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे काफी ज्यादा फीचर को यूज कर सकते हो और लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो। आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि स्वाइप करने पे आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और बहुत सारे फीचर आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो इनको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर को, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला जो फीचर आता है इसको ऑन कर लेना है एंड गॉट इट पर करना है क्लिक। अब कभी भी आपको फास्ट अपना कैमरा एप्स ओपन करना हो तो स्क्रीन पर ओ स्वाइप कीजिए, आपका कैमरा एप्स इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कभी भी एप्स को मतलब जो कैमरा एप्स है उसको ओपन करना है तो स्क्रीन ऑफ होने पर वो बना दीजिए, आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाता है इस फोन के अंदर। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्लैश लाइट को भी सेट कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए आपको सिंपल यही आ जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर में, और यहाँ देखने को मिल जाएगा ये वाला फीचर, इसको ऑन करना है। अब स्क्रीन पर कभी भी फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो स्क्रीन पर इस तरह से आपको बी स्वाइप करना है, फ्लैश ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आप चाहें इसको बंद करना तो फिर से बी बना दीजिए, आपकी फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाती है। कुछ जेस्चर को आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट करके रख सकते हो, जैसे कि गाने वगैरह सेलेक्ट करने हो, गाने चलाने हो, प्ले करने हो, तो वो भी आप रख पाओगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूजिक कंट्रोल, इसको आप यहाँ से ओके कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। आप कभी भी गाने चलाना चाहते हो लॉक स्क्रीन पे ही विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए, तो सिंपल स्क्रीन ऑफ होने पर टू फिंगर से डाउन कीजिए, आपके गाना प्ले हो जाएगा। गाने को आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है। गाने को बदलने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका गाना चेंज हो जाएगा। गाना पीछे वाला चलाना हो तो इस तरह से क्लिक करके आप पीछे वाले गाने को दोबारा से चला सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर यहाँ पे मिल जाता है आपको म्यूजिक कंट्रोल का। एंड यहाँ पे आप कुछ और जेस्चर को यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तीन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। जब हम ओपन एप्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फेवरेट एप्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आप ज्यादा यूज करते हो, तो आप उनको भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि हमने क्रोम को सेलेक्ट किया लॉक स्क्रीन होने पर, जब हम क्रोम को ओपन करना चाहेंगे तो ये टाइप कर देंगे, डायरेक्टली हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो कभी भी किसी एप्स का आप ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पे आप उनको भी अपने हिसाब से सेट करके रख पाओगे। तीन अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, देख जैसे कि ए, एम और डब्ल्यू, तो जो भी आप सेट करना चाहें यहाँ आगे कर लीजिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। जब आपको इस फोन की कॉल को आंसर करना होता है तो आप स्क्रीन से अपनी टच को मतलब अपने फोन की जो टच है उसको टच करते हैं तब आपकी कॉल आंसर होती है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर, इसको ऑन कर लीजिए। आप क्या करना है, स्क्रीन से आप कॉल आंसर नहीं करना है, सिंपल रिंग होते हुए फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। तो ये आपको काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का, तो यहाँ से आपको ये ऑन करना रहता है। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिल जाएगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, जब कभी भी आप किसी बंदे से हैंड फ्री स्पीकर पर बात कर रहे हैं और अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कान वाला स्पीकर है उसमें ये आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ऑटो स्विच टू रिसीव का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करने पे आप अपनी कॉल को जो कॉल वगैरह आती है उसको म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कर दीजिए, आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी। वैसे म्यूट आप दो और तरह से कर सकते हो, जैसे कि फोन का अप एंड डाउन बटन को प्रेस करना है तभी आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। इस फोन का जो पावर बटन है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो।
इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ से आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेस पावर ऑन टू एंड कॉल का फीचर। इसको ऑन कर लीजिए, आप कभी भी कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पावर ऑन को प्रेस कर दीजिए, कॉल आपकी कट हो जाएगी। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्स का फ्लोटिंग विंडो यूज करना है तो आपको पहले वो ओपन करना है, यहाँ रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका ये एप्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप और काम करते जाइए, बैकग्राउंड में ये एप्स आपका काम करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको रिसाइज कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस पर एक बार इस तरह से प्रेस करना रहता है तो ये आपका रिसाइज हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद क्लोज करना चाहें तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपका ये क्लोज भी हो जाएगा। इसके अलावा इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसमें ये आप एप्स वगैरह सेलेक्ट करके रखेंगे तो वो आपके फ्लोटिंग विंडो के लिए ऑन हो जाएंगे। तो आप उनको सेट करना चाहते हो तो सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जिसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है, स्मार्ट स्लाइड बार को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल जाएगी, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ और एप्स को देख पाओगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट देना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, स्क्रीन ट्रांसलेट करना हो, या फिर फाइल मैनेजर ओपन करना हो। ये तो कुछ ऐप्स आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी ऐप्स को ऐड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप एडिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि फोन के अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं। अब यहाँ से इनको ऐड करने के लिए इस साइड आपको सिंपल प्लस के आइकन पर क्लिक करना होता है तो ये ऐड हो जाएंगे, एंड यहाँ से किसी भी ऐप्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। अब आपको वो ऐप्स सभी सेलेक्ट कर लेने जो भी आपकी फेवरेट रहते हो या फिर आप जिनका आप ज्यादा यूज करते हो, तो आप ये सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कभी भी इनका यूज करना हो तो किसी, जैसे कि आप सेटिंग वगैरह में हो या फिर किसी ऐप का यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर हो जाता है अगर कभी भी आपको इमरजेंसी एप्स का यूज वगैरह करना होता है, तो यहाँ सर्च वगैरह करते हैं तो आप डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में वो सेट कर लीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से फिर उनको एक्सेस कर पाओगे। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन को कभी भी आप यूज करते समय दिक्कत फील कर रहे हैं, आपका फोन काफी बड़ा आपको लग रहा है, तो इस फोन को एक हाथ से यूज कर सकते हैं। इस फोन में ये मोड देखने को मिलेगा आपको, तो इसको ऑन करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद वन हैंडेड मोड पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब कभी भी आप अपने फोन को एक हाथ से यूज करना चाहें तो इस तरह से आपको वन फिंगर से डाउन करना है, तो आपका फोन जो है वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। तो इसको एक हाथ से बहुत आसानी से अब आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन बाद में करना हो तो ब्लैंक एरिया में क्लिक कीजिए, आपका फोन की जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह से और भी वीडियो देखना तो इस फोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।